हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि 11th क्लास का है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी जिसका हिंदी होता है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का स्टडी शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या पढ़ना है और उसके अंतर्गत उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या और पढ़ना है, तो सबसे पहले उसको जान लेना ज़रूरी है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, तो इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये आपका 11th क्लास का एक टॉपिक है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है आपका, फर्स्ट नंबर पढ़ना है आपको स्ट्रेट लाइन। ठीक है, STRIGHT स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड में हम लोगों को पढ़ना है सर्किल। ठीक है, सेकेंड में पढ़ना है आपको सर्किल। थर्ड में पढ़ना है आप लोगों को पाराबोला। ठीक है, फोर्थ में आप लोगों को पढ़ना है इलिप्स। ठीक है, फाइव में आप लोगों को पढ़ना है क्या, हाइपरबोला। और सिक्स में आप लोगों को क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। और आपके यहाँ पे सेवन नंबर पे क्या पढ़ना है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री देखिए, तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, एप्लीकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये आपका टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए 11th क्लास का जनरली बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है सब, लेकिन देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपका 11th में भी काम आएगा आपके लिए, 12th में भी काम आएगा, और जिसको आगे स्टडी करना है BSc MSc वहाँ पर भी ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को लेके चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन को और समझेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस, तो स्ट्रेट लाइंस हम लोग स्टार्ट करेंगे आज और उसको समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, और इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन में यहाँ पे ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ज्योमेट्री बाय यूजिंग अलजेब्रा वाज फर्स्ट कैरिड आउट बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन आर डिस्कैरेट्स इन 1637। दिस सब्जेक्ट इज नाउ नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ज्योमेट्री बाय यूजिंग अलजेब्रा, यानी कि सिस्टमेटिक स्टडी हम लोग करते हैं ज्योमेट्री का अलजेब्रा का उपयोग करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और सबसे पहले फ्रेंच मैथमेटिशियन आर डिस्कैरेट्स 1637 ईस्वी में इसको दिए थे। ठीक है, तो देखिए तो ये आपका इंट्रोडक्शन रहा, कौन कब दिए थे इसको। तो चलिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन में आपको टू डायमेंशन यानी कि 2D की बात आती है। जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम लेंगे तो वहाँ पे 2D का बात आएगा। तो 2D का मतलब ये हुआ आपका जिसमें दो एक्सिस हो, एक्स और वाई, और उसी पर हम लोग एक्स और वाई पर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे दो एक्सिस लेते हैं, यहाँ पे एक ये और एक ये। तो देखिए यहाँ पे आप पढ़े होंगे इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पे वाई होता है और नीचे वाई डैश और यहाँ पे एक्स और इधर एक्स डैश। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, राइट साइड में आपका पॉजिटिव होता है, जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ तक हम लोग 4 तक ले लिए, और इधर जो होगा ये आपका मूल बिंदु हो गया ओरिजिन, जहाँ पे ओरिजिन पे आपका पॉइंट जो होता है 0, 0 होता है, और इधर माइनस नेगेटिव में होता है -1, -2, -3, -4 और so on। देखिए और ऊपर जो होता है ऊपर भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, और नीचे जो आपका होता है निगेटिव होता है, तो -1, -2, -3 और -4।
तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी नंबर दिया रहा है तो उसका पोजीशन जानना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हो रहेगा 2 और -4, तो आपको इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे इसका पोजीशन क्या होगा वो आपको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो होता है आपका फर्स्ट वाला जो होता है वो एक्स एक्सिस का होता है और सेकंड वाला जो होता है वाई एक्सिस का होता है। तो देखिए इसका जब हम लोग पोजीशन देखेंगे इस पे 2D ग्राफ पे तो कैसे निकलेगा उसको हम लोग समझेंगे। तो यानी कि एक्स एक्सिस, तो जो 2 है आपका एक्स एक्सिस का बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये देखेंगे हम 2 जो है प्लस में है या माइनस में है। तो 2 यहाँ पे प्लस में है तो हम लोग यहाँ पे प्लस की ओर जाएंगे, तो यानी कि आपका 2 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे जो सेकंड वाला पोजीशन वाई का है वो -4 है, तो ये माइनस है यानी कि नीचे की तरफ, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। और मूल बिंदु से ऊपर प्लस होता है और मूल बिंदु से नीचे जो होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे -4 है यानी कि नीचे की तरफ, तो यहाँ पे -4 यहाँ पे है तो ये आपका रहा। तो देखिए अब हम इसके पोजीशन पे जाएंगे, तो देखिए 2 यहाँ पे है एक्स एक्सिस और 4 जो है माइनस पे यहाँ नीचे है, नीचे की तरफ है, तो यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ डॉटेड लाइन को खींचेंगे और फिर इधर से ऐसे। तो देखिए यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जब हम लोग पोजीशन निकालते हैं तो देखिए यहाँ से हम चल के धीरे धीरे, जैसे कि यहाँ से हम एक रस्सी को लटका देते हैं तो रस्सी यहाँ से सीधे यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जब आ जाता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक सीधी रेखा में वाई एक्सिस की तरह एक बंदूक की गोली को चलाएंगे तो सीधे जाके यहाँ पे टच होगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन हो गया 2 और -4, तो ये तो आपका एक पोजीशन हुआ। जैसे कि आपको कोई और कहे, जैसे कि आपको यहाँ पे पोजीशन निकालने के लिए 2 और 3, इसका पोजीशन निकालने के लिए आपको कहे कोई, तो देखिए ये फर्स्ट वाला जो होता है आपका एक्स एक्सिस होता है और सेकंड वाला जो होता है वाई एक्सिस होता है। तो देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानने के लिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 2 डायमेंशनल ग्राफ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे आपका कोई भी अगर दो पोजीशन दो दिया जाए तो आपको वो पोजीशन कहाँ पे निकलेगा ये सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है आपके 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए, यानी कि स्ट्रेट लाइन में इसको समझना ज़रूरी है। तो देखिए इसका जब हम लोग पोजीशन निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स का पोजीशन +2 है और वाई का पोजीशन +3 है। तो देखिए एक्स का पोजीशन +2 यानी कि +2 यहाँ पे है और वाई का पोजीशन +3, तो देखिए वाई ऊपर की ओर प्लस होता है और नीचे की तरफ माइनस होता है, मूल बिंदु से ऊपर प्लस, तो देखिए 3 है यानी कि ऊपर की तरफ प्लस, तो यहाँ पे 3 है। तो देखिए यहाँ से सीधे जाएंगे और जहाँ पे मिलेगा वो आपका पोजीशन हो गया, तो यहाँ पे आपका 2 और 3। तो देखिए यहाँ से सीधे जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ से सीधे इधर है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपके एक चतुर्भुज की तरह दिख रहा है जिसमें चार भुजा आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ऐसे आप किसी भी नंबर का पोजीशन निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको दे दिया जाए यहाँ पे -2 और 4, -2 और 4 निकालना है आपको। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो -2 एक्स एक्सिस जो है पहले वाला एक्स एक्सिस का होता है और दूसरा वाला वाई एक्सिस का होता है, तो -2 यानी कि -2 यहाँ पे एक्स एक्सिस का होगा और +4 है यानी कि प्लस वाई का जो 4 है, तो वाई प्लस जो होता है ऊपर की तरफ होता है तो इधर से हम जाएंगे आगे की तरफ 4 टाइम्स यानी कि 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से सीधे हम लोग चलेंगे और यहाँ से सीधे चलेंगे 4 पर, तो यहाँ पे आपका पोजीशन जो आएगा ये आपका -2 और 4 पोजीशन आ गया, ठीक है। और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ भी और यहाँ भी, इस तरह कोई आपको दे देगा। एक और मान के चलिए आपको यहाँ पे कोई दे देगा जैसे कि -3 और -4, इसका आपको पोजीशन निकालना है। तो देखिए तो सबसे पहले हम लोग एक्स वाले को लेके चलते हैं, ये आपका एक्स का हो गया और ये आपका
वाई का हो गया। तो एक्स का हम लोग ले कर चलेंगे तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट में जब माइनस की माइनस रहेगा तो हम लोग ओरिजिन से लेफ्ट साइड में चलेंगे। तो कितना है यहाँ पे माइनस थ्री, तो यहाँ पे माइनस थ्री इधर हम चलेंगे तो वन टू थ्री, माइनस थ्री यहाँ पे है तो ये आपका पोजीशन हो गया। और यहाँ पे माइनस फोर, यानी कि वाई एक्सिस में जब भी माइनस की बात करेगा तो हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे। तो माइनस फोर है तो यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, यानी कि यहाँ पे। तो यहाँ से सीधे स्ट्रेट लाइन सीधा हम लोग चलेंगे और फिर यहाँ से सीधा चलेंगे तो यहाँ पे हमारा पोजीशन आएगा माइनस थ्री माइनस फोर। तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, ये एक चतुर्भुज की तरह दिख रहा है, ठीक है, एक आयत की तरह दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पोजीशन निकालने के आना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझे पोजीशन कैसे निकालते हैं, कोई भी पोजीशन आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मूल बिंदु जो होता है 0 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से ऊपर जाइएगा तो 1 होगा, इधर जाइएगा तो 1, इधर 1, इधर 1, और यहाँ पे कुछ नहीं, 0 सिर्फ दोनों का। एक्स का भी वैल्यू यहाँ पे 0 होता है और वाई का वैल्यू भी यहाँ पे 0 होता है। तो ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन होता है वो 0 0 होता है। और एक्स एक्सिस में राइट साइड में आपका प्लस होता है प्लस 1 प्लस 2, और लेफ्ट साइड में माइनस 1 माइनस 2, ऐसे करके आगे जाता है। और वाई कोऑर्डिनेट में ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। तो ऐसे हम कहीं भी आपका पोजीशन किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आगे हम लोग समझेंगे, हम समझेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जैसे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आपने 10th में पढ़ा होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिया हो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में दूरी निकालना, ये हम लोग आज समझेंगे। तो उसको हम लोग फिगर के थ्रू समझेंगे तो अच्छा है, समझ में आएगा। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग पिक्चर की मदद से समझेंगे तो माइंड में अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट यानी कि कोई भी दो पॉइंट दिया रहा है उसके बीच की दूरी कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपका एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपका एक पॉइंट दिया रहेगा अगर एक्स वन और वाई वन, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया रहेगा एक्स टू और वाई टू। हम लोग कहीं भी पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हम लोग इसमें यहाँ पे देंगे, दोनों प्लस प्लस रहेगा तो उसको समझने में आसानी रहेगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक पॉइंट दिया एक्स वन वाई वन और यहाँ पे एक पॉइंट दिया एक्स टू वाई टू। तो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है इस दोनों पॉइंट के बीच का, ठीक है, यानी कि ये दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ से हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट में इधर राइट साइड में आपका प्लस होता है और लेफ्ट साइड में माइनस होता है, और वाई कोऑर्डिनेट में ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस होता है। तो ये हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक डॉटेड लाइन एक्स कोऑर्डिनेट को मिलाएंगे और यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से हमने एक डॉटेड लाइन एक्स कोऑर्डिनेट पे मिलाया और यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन हमने एक्स कोऑर्डिनेट को मिलाया। अब हम लोगों को ये दोनों डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो आ रहा है, जैसे कि हमने बताया था, ये आपका एक्स टू का पोजीशन है। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक हो जाएगा एक्स टू, क्योंकि मैंने पहले ही भी बताया था कैसे हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं, कैसे हम पॉइंट्स निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स टू हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स टू है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक्स वन है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो गया, एक्स वन हो गया, डिस्टेंस एक्स वन हो गया। अब देखिए, ये जो है आपका, ये वाई के पैरेलल है, यहाँ से लेकर वाई के पैरेलल है, यानी कि ये सेकंड वाला जो हो गया, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का वाई वन हो गया, और ये यहाँ से लेकर का और यहाँ से लेकर वाई टू हो गया, ठीक है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का एक्स टू हो गया और यहाँ से यहाँ तक का एक्स वन हो गया, यहाँ से यहाँ तक वाई वन हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई टू हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट लेकर इसको मिला लेंगे, यहाँ तक हमने मिला लिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो है आपका एक्स टू है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका
वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से लेकर का यहाँ तक का मान निकालेंगे तो ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, तो ये कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका क्या हो गया, एक्स टू हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक्स वन हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक में हम लोग यहाँ से यहाँ तक अगर घटा लेते हैं तो इतना हम लोगों का प्राप्त हो जाएगा। ये टोटल में से अगर हम लोग इतना हटा लेंगे तो इतना हम लोगों को मिल जाएगा। तो टोटल क्या है आपका एक्स टू, यानी कि एक्स टू में से अगर हम लोग ये इतना घटा लेंगे यानी कि एक्स वन, इतना में से देखिए ये टोटल डिस्टेंस में से अगर हम लोग इतना को हटा ले रहे हैं तो हमारा ये मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पे एक्स टू है और इतना हम लोग घटाएँगे एक्स वन, यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना आया, एक्स टू माइनस एक्स वन आ गया। अब देखिए अब हम लोगों को ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए ये टोटल डिस्टेंस में से अगर हम लोग ये नीचे वाला घटा ले रहे हैं तो इतना हम लोगों को मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का क्या है वाई टू, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों को टोटल डिस्टेंस में से लेकर यहाँ तक घटाना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पे क्या है वाई वन, तो घटा लेंगे वाई वन, तो मेरा ये फाइंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका एक्स टू माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स टू माइनस एक्स वन आया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई टू माइनस वाई वन आया। तो यहाँ पे आपको फिगर में एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और आपने पढ़ा होगा जब भी कोई 90 डिग्री का अगर एंगल बनता है तो ये त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल बोलते हैं। यानी कि जब भी राइट एंगल ट्रेंगल बनता है तो जैसे कि यहाँ पे ए सी और इसको मान ली बी, ठीक है, तो अगर हम लोगों को ए सी निकालना होता है तो ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका बी सी प्लस ए बी। जब भी आपको ए सी निकालना होता है तो बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू होता है ए सी, ठीक है, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना था, तो ये डिस्टेंस है प्लस ये डिस्टेंस कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो देखिए ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, एक्स टू माइनस एक्स वन है, यहाँ पे निकाला है निकाला गया है, और ये डिस्टेंस कितना है प्लस ये डिस्टेंस है आपका वाई टू माइनस वाई टू माइनस वाई वन, इसको हम लोग कोष्ट में कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आया, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो ये आपका निकल के आ गया डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला, और ये कैसे आया हमने आपको फिगर के मदद से यहाँ पे समझा दिया। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने जाना डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट दिया रहा है यहाँ पे, और उसके बीच में कैसे हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो ये फार्मूला लगा करके हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं, और एग्जांपल में हम लोग यही फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो नीचे हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल, एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग समझेंगे, जो राइट एंगल ट्रेंगल का जो फार्मूला होता है यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था। तो देखिए तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए जब स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, जब स्क्वायर इधर जाता है तो रूट में हो जाता है, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब ए और सी ये डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं तो इसको प्लस और इसको प्लस कर देते हैं और इसके ऊपर रूट चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जब हम लोग इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होगा, ये तो आपका हो गया इसका ये डिस्टेंस हो गया, तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या होगा आपका रूट चढ़ जाएगा, ठीक है।
तो देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, हमारा जो फॉर्मूला आया है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा आपका रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल कर आया, ठीक है। और इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसी फॉर्मूला की मदद से करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे एग्जांपल देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन एग्जांपल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 2। तो यहाँ पे हम लोग जो फार्मूला फाइंड किए हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसी फार्मूला की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लेट माना हमने ए पॉइंट जो हो गया आपका 2, 3, ठीक है, एंड बी पॉइंट का आपका क्या हो गया 4, 2, ठीक है, बी द गिवेन पॉइंट, बी द गिवेन पॉइंट हमने माना, ठीक है। अब देखिए, तब यहाँ पे देन यानी कि तब हम लोग क्या करेंगे, तो एक पॉइंट ए इतना है और बी इतना है, तो हम लोग ए बी यानी कि दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए, x2 यानी कि ये वाला यानी कि 4 माइनस यानी कि माइनस y2 क्या है यहाँ पे, सॉरी x2 - x1, x1 क्या है यहाँ पे 2 है, तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे क्या है y2 यानी कि y2 इसमें का यहाँ पे 2 और माइनस y1 यानी कि y1 इसमें का 3, तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे और इसके ऊपर हो जाएगा आपका रूट। तो इसको हम लोग निकालेंगे 4 - 2 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 यानी कि -1, -1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आया √5 आपका आंसर हो गया। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे लेक्चर नंबर 2 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।